ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की जो डेट है वो है 11 अगस्त और टाइम हो रहा है 9:23। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो निफ्टी में हमने कुछ एनालिसिस किया हुआ है, अभी दिखा दूंगा मैं। और यहाँ पर अभी हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट इसको हमने यहाँ पर ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ कि 9:17 पर ट्रेड लिया गया, 9:21 पर एग्ज़िट है और यहाँ पर एक स्कैल्प ट्रेड किया गया है। अभी मैं निफ्टी का एनालिसिस अपने चार्ट पर दिखा देता हूँ। ओके, बिफोर दैट द होल सोल पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड शोइंग द एनालिसिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। सो दिस इज़ डिस्क्लेमर एंड दिस इज़ माई कार्ड। ओके, तो ये डेली एनालिसिस है, हम मंथली से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ रहा यहाँ पर अभी सिनारियो। तो अभी जो निफ्टी है स्ट्रगलिंग पेस में, मेजर मंथली ट्रेंड देखोगे तो बाइंग ट्रेंड है यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ पर लोअर हाइज हायर हाइज क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर जो बायर्स हैं वो अपना लेवल प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। 19,234 का जो मंथली जो लेवल है इसको क्रॉस नहीं करने देना चाह रहे हैं, और 19,296 का लो यहाँ पर मारा है। तो यहाँ पर 234 अभी तक प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो रेजिस्टेंस कहाँ से आया, 19,991 से, और ये अपना मंथली लो प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर। सब हम आ जाते हैं वीकली में। वीकली में मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं कंटिन्यूस बॉइंग है, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया है मंथली में। तो मंथली में देखेंगे अगर कि अगर यहाँ से ये बायर है, अगर यहाँ से सेलर फेल होते हैं तो इनको नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका हाई है 18,887 के हाई पर, यहाँ पर सपोर्ट लेगा मार्केट नेक्स्ट। तो कंटिन्यूस बाइंग मूवमेंट का यहाँ सपोर्ट आएगा मार्केट का। तो अभी फ़िलहाल तो जब ये लो टूटेगा जब सोचा जाएगा। अगर वीकली एनालिसिस यहाँ पर देख लें तो मार्केट जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर बाइंग में था, और उसके बाद ये फर्स्ट पुल बैक है। तो यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड होती है। अब डेली एनालिसिस में अगर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बायर्स हैं यहाँ से थे, यहाँ फर्स्ट पुल बैक था, सेल नहीं करते, अगेन बायर्स ने ट्राई किया, बट यहाँ से जब बायर फेल होने लगे, यहाँ पर इस हाई से फेल होने लगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस पॉइंट को इसलिए बोला जा रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस पॉइंट को इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ की प्रीवियस लो को इसने ब्रेक डाउन किया है। लेकिन यहाँ पर एक इशू हो गया है कि यहाँ पर जो कंटिन्यूस ये सेलिंग स्विंग था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, इसका 70% से ज़्यादा यहाँ पर बायर्स ने रिट्रेस कर दिया है। तो कोई बात नहीं, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यहाँ से जो सेलर्स आते हैं वो फर्दर यहाँ पर लो क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर यहाँ से बाइंग हैपनिंग होने लगी, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ये जस्ट यहाँ पर बाइंग कंटिन्यूशन हो जाएगा। आज का सिनेरियो देख लें तो 70% रिट्रेसमेंट मार्केट करने के बाद, 70% रिट्रेसमेंट करने के बाद और कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ बची नहीं है बायर्स में, तो यहाँ से कल हमको सेलिंग देखने को मिली। एक जो शार्प सपोर्ट अवेलेबल है वो इसके लो पर है 19,467 पे, इसके लो से यहाँ पर बाइंग स्विंग देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर यहाँ से अगेन सेलर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर और फर्दर इस लो के टारगेट के साथ सेलिंग देखने को मिल सकती है। बात यह है कि सेलर्स में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से देख लें तो अगर किसी स्विंग का 70% से ज़्यादा यहाँ पर रिट्रेस हो चुका है तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बचती है, सेलर्स एग्जिट हो चुके होते हैं। तो इस लो का आना या नहीं आना इसमें श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि आएगा ही आएगा। तो इस ये जो बायर्स का मूवमेंट है, अगर बायर स्ट्रांग है तो ये जो बाइंग मूवमेंट किया है बायर्स ने, इसका 50% से ज़्यादा यहाँ पर ये रिट्रेस नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो इस लो से बायर्स घुसे हैं और इस हाई तक के बायर्स आए हैं। तो अगर इसका 50% यानी कि ये पॉइंट 19,000, और इसमें लाइन मार्क करना पड़ेगा, ये तो इसका लो यानी कि एग्जैक्टली यही लो यानी कि 19,467,
तो 19,467 अगर क्रॉस नहीं होता है और यहीं कहीं से अगर बाइंग हैपनिंग होने लगती है और बाइंग डायरेक्शन में जाता है मार्केट, मतलब कि यहाँ से बायर्स अपने स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और ये वाला सेलिंग स्विंग वीक हो चुका है, तो यहाँ पर जस्ट हमें वेट करना है इस लेवल का। अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन होकर प्राइस सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पर और फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगी। तो होप सो अगर एनालिसिस आपको समझ आया हो, तो अभी हम यहाँ पर अपना देख लेते हैं। तो ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, हमने 76 पे बुक किया था, 77 का हाई मारा है मार्केट ने। तो ये जो मॉर्निंग ट्रेड होते हैं बहुत क्विक ट्रेड होते हैं, बिकॉज़ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको टाइट एनालिसिस करना होता है, यहाँ पर हम गलत नहीं हो सकते, अदरवाइज़ बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो एज अ बिगनर हमको मॉर्निंग ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। तो जो भी ट्रेड होगा मैं अपडेट करूँगा। अभी अगर हम देख लें जा कर के, तो करंट हमारी ये पोजीशन देख सकते हैं 1300 यहाँ, और हमारा ये ज़ीरोधा का अकाउंट है, तो इसमें कुछ भी पोजीशन नहीं है अभी। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके गाइस, देख सकते हैं लेवल्स कैसे काम करते हैं। टाइम हो रहा है 10:01, एग्जैक्टली इसी लेवल से, यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा था ये डेली चार्ट दिखा देते, एग्जैक्टली ये जो बाइंग स्विंग था इसके 50% से यहाँ से सपोर्ट यहाँ पर मार्केट लेने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए ये सेलिंग थी, तो यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं। अब अगर मैं पुट ऑप्शन का हाल दिखा दूँ तो ये है, यहाँ पर कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी प्रीवियस रेजिस्टेंस के बाद, इसके बाद यहाँ पर जाके वीकनेस आने लगी। यहाँ पर अगर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट सीधा निकल जाता है, बट यहाँ पर वीकनेस आने का ये ही रीज़न है कि यहाँ पर जो है मार्केट का 50% वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी लेवल पर यहाँ पर आके सपोर्ट क्रिएशन हो रहा है। अब यहाँ पर एक सेलर टेस्टिंग पेंडिंग है, एक सेलर टेस्टिंग होगी, उसके बाद अगर यहाँ पर बायर्स आ जाते हैं तो बायर्स अपने स्ट्रेंथ शो करने का ट्राई करेंगे। बिकॉज ऑफ कि मेजर मैंने सुबह ही बताया जैसे कि मेजर बाइंग ट्रेंड है, तो इसका डेली का ये जस्ट रिट्रेसमेंट है, तो बायर्स यहाँ पर चाहेंगे कि हमारा डोमिनेशन बना रहे। तो हालांकि प्रीवियस स्विंग लो उनने क्रॉस किया है, इसका लो है 468 और इसका लो है 459, तो लो तो क्रॉस किया है बट यहाँ पर बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, इसलिए हमने यहाँ पर जो ट्रेड किया था यहाँ पर हमने सुबह ही एग्जिट कर दिया। तो अभी फ़िलहाल में अगर हम कुछ नहीं है हमारा, जो सुबह था वही है। ओके ओके गाइस, ये है सी का चार्ट और यहाँ पर भी देख सकते हैं इंक्रीज वॉल्यूम में बायर्स आ चुके हैं यहाँ पर। तो सारी चीज़ें कंबाइंड करके मैं दिखाना चाह रहा था, जस्ट इसीलिए शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली है। मींस ऐसे लेवल्स आपको एनालिसिस आना चाहिए कि ऐसे लेवल्स फाइंड करो जहाँ से यहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है, देखते हैं सपोर्ट फॉर्मेशन जहाँ से भी होगा। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 11:11 और यहाँ पर हमारी एंट्रीज हो चुकी है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 67 रुपीज़ पे।
ओके गाइस, टाइम हो रहा है 12:47 एंड प्राइस इज़ कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग। यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है बट यहाँ पर कंटिन्यूसली रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर निफ्टी का चार्ट जाके देख लें हम तो निफ्टी में भी देख सकते हैं कंटिन्यूसली बार बार सपोर्ट फॉर्म हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, तो वेट करेंगे। अगर SL जाएगा तो फिर SL देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ की सेलिंग फास्ट होती, सेलिंग को निकल जाना चाहिए था, पर यहाँ पर अगेन एंड अगेन मार्केट बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है, तो वेट करेंगे। पोजीशंस जाके अगर हम देख लें तो $180-190 का यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, मतलब प्रीवियस प्रॉफिट था, कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं, 80 पे हमारी एंट्री थी, तो वेट करेंगे और देखते हैं। ओके गाइस, ऐसा कुछ ऑप्शन का डेली कैंडल का चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम 15 में देख लेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट तो फिर यहाँ पर पोल एंड फ्लैग जैसा कुछ पैटर्न बन सकता है। यहाँ पर प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पर अगर मार्केट को इस ऑप्शन को प्रीवियसली देखें हम तो यहाँ पर ये लोअर हाई का फॉर्मेशन होकर सेल हो रहा था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर लोअर हाई और हायर हाई का क्रिएशन हुआ है। यहाँ पर 86 पॉइंट था और यहाँ पर 88 का हाई मारा है, तो यहाँ पर अप ट्रेंड तो कंफर्म हो गया है बट यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो वेरी फर्स्ट टारगेट हमारा ये 100 पॉइंट का हो जाना चाहिए, जितना भी हाई है 101 का, और नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पर इसका हाई यानी कि 121-122 के आसपास का टारगेट आता है, 125 के आसपास का, तो वेट करेंगे। अगर SL जाएगा तो SL देना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मार्केट ने एंट्रीज तो क्रिएट करी है और जस्ट कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है। ये दो लेवल हो जाएंगे जहाँ तक हम वेट कर सकते हैं अगर ब्रेक किया तो। ओके गाइस, यहाँ पर मार्केट ने आके SL हिट कर दिया है, तो आज के दिन भी हमारा SL रहा 2000 रुपीस का। अब मिलते हैं मंडे के दिन, तब तक के लिए बाय।